शिवा और आप सभी सोच क्या है शिवा कुमार ऑफिशियल चैनल। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी पिछली वाली वीडियो को लेकर के, और साथ ही साथ जानेंगे कि हमारा स्टडी ब्लॉग कैसा रहता है। और वहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपनी लाइफ अपडेट बताई थी, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि हमारा जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट बताई थी और काफ़ी सारी स्टोरी कवर करी थी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिखा दूंगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर दोस्तों दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी इसके अंदर कि जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम है वो होने वाला है। एक्चुअली में क्या है कि मैंने ये चीज़ आपको गलत बताई थी, ये इसके लिए मैं अपने दिल से अपोलॉजी हूँ, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसके लिए सॉरी। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो हमारे जो दूसरा एग्ज़ाम है जो होने वाला है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर हमारी जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकली है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके फॉर्म्स 18 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 तारीख 7वां महीना 2022 तक भरे जाएंगे। और वहीं पर दोस्तों इसका देखा जाए तो ऑफिशियली हमारा जो सिलेबस है वो आउट नहीं हुआ है, बट इसके सिलेबस है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और GK देखने को मिलती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेम एज LDC के जैसा ही होता है, बस इसकी GK होती है वो इंडिया की GK आती है ज़्यादा। और वहीं पर दोस्तों अगर बात करें कि इसके सेंटर की, तो इसका सेंटर ना अगर आप राजस्थान से भरते हो तो मैं आपको बता दूं कि इसका सेंटर दिल्ली के अंदर आता है। मैंने लोगों के कमेंट देखे थे, लोगों ने बताया था उसके अंदर देखा था मैंने, तो उसमें लोगों ने बताया था कि इसका सेंटर है वो दिल्ली के अंदर ही आता है। तो अगर आप राजस्थान से भर रहे हो तो एक बार देख लेना, बाकी अगर आप जा सकते हो तो ऑब्वियसली भरो, अच्छा है, आगे निकलो। और वहीं पर दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे और मेरा ब्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कॉमेंट। कोई नहीं, फिर भी हम इतने जोर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं इस वजह से। और वहीं पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अभी हाल ही मैंने ब्रेक लिया था स्टडी से, तो मैंने थोड़ा रेस्ट करा, अब मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठूंगा। और वहीं पर दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है कि जो लोग PTET की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम होता है BEd से पहले, तो उसके एडमिट कार्ड वो जारी हो चुके हैं। अगर आप PTET की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका है,
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से जाकर के। और वहीं पर दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ अपनी ना कुछ एक मन की बात शेयर करना चाहता था, वो चीज़ ये थी कि दोस्तों यार पता है कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों का ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मतलब पढ़ाई से मन उब नहीं जाता, ऐसा हो जाता है। मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद पढ़ने बैठते हैं, तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार बुक्स को देखते मतलब यार जोर आता है, आलस सा आता है, ऐसा कुछ होता है। तो पता है उस समय ना आप एक काम कर सकते हो कि आप ना अपने आप को खुद को ना किसी काम में बिज़ी रखो। काम में बिज़ी रखने का मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरी है कि आप किसी स्टडी से रिलेटेड काम है उसी में अपने आप को बिज़ी रखो, नहीं नहीं, आप अपने घर का कोई भी काम होता है वो एक्सपेंसिव कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि अपने घर के कपड़े हुए उनको जमा लो, घर में साफ सफाई होती है थोड़ी वो कर लो, तो पता है मन को थोड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ यार हम लोग ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अपना कुछ किसी चीज़ में अपने आप को डाल रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं अपने आप को, वर्क के लिए अपन थोड़ा वो कर रहे हैं, अपने माइंड को अपन सिग्नल दे रहे हैं। तो पता है इससे क्या होता है कि आपको ना कहीं पर मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई के लिए कहीं भी, अगर आप आगे चल के फिर पढ़ने बैठते हो तो एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपको, अगर आप भी ट्राई करके देखो। और कभी भी पता है आप अगर बहुत टाइम बाद पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, तो एक साथ ना बहुत सारा काम लेके मत पढ़ने बैठो, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब कि अगर आप पहले अगर 3 घंटे पढ़ते हो तो अभी थोड़ा 2 घंटे या 1 घंटे उसको मिनिमाइज कर दो, ऐसे मतलब धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को तेज करो पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप ट्राई, और ये बात भी आप लोगों से कहना चाहता था तो मैंने आप लोगों मन की बात कह दी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वहीं पर आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए आगे और भी है। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे, और अभी टाइम हो रहा है वो हमारा हो रहा है 6:20 अगर आप देखोगे तो, और मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी आज, लगभग मान के चलो मैंने कम से कम 3 घंटे ही पढ़ाई करी होगी, जो मैं रेगुलर करता हूँ उससे बहुत कम करी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का डेज हैं तो अभी मेरा इतना पढ़ने का मन नहीं करता, तो इस वजह से अभी धीरे धीरे हम लोग और ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और जैसे देखकर आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप भी पढ़ाई कीजिए, आप भी आगे निकलिए, और साथ ही साथ और भी आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं हमारे एग्ज़ाम अपडेट्स को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और बस यूं ही, और आप भी पढ़ते रहिए और आगे निकलिए, और साथ ही साथ आप भी मेहनत कीजिए, हम सब मिल के आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। अपडेट्स नेक्स्ट टाइम, और कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे हेल्दी।